ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੰਕ ਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ केंद्र सरकार वालों लियांदे जा रहे किसान ऑर्डिनेंस हुण केंद्र अते सत्ताधारी कांग्रेस या फिर कहीए कि विरोधी धर पंजाब दे विच अकाली दल भाजपा दे लई समस्या खड़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखा जाए तो जिथे पहला किसान ऑर्डिनेंसा नूं लैके किसान विरोधी सी दूजे पासे कांग्रेस विरोधी सी अते आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही सी तो हुण अकाली दल भी विरोध के रूप के उदरता हुआ नज़र आ रहा जिदे अकाली दल का स्पष्ट कहना है कि किसान हित दे ना होने करके असी इन्हां ऑर्डिनेंसा का साथ नहीं देवांगे। पर हुण एक सियासी भूचाल नवा खड़ा हो चलिया जिदे कांग्रेस नूं सवालों के घेरे च खड़ा कर दिता गया है। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਨਯ ਸਦੱਸ਼ ਕੋ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਣੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਮੇ ਪੰਜਾਬ ਓਡੀਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਓ ਨੇ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਕੇ ਸਭ मुद्दों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि ये बिल आना चाहिए। लोकसभा दे विच केंद्रीय मंत्री दे बयान ने एक नवी सियासत दे विच खलबली खड़ी कर दी जिस तों बाद जिहड़ी कांग्रेस लगातार अकाली भाजपा दे सवाल खड़े कर रही सी तां हुण कांग्रेस ते ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे ओएसबी कैप्टन संदीप संधू ने दस्सिया कि वह हाई पावर कमेटी दे विच जरूर सन पर अजिही कोई भी गल दे विच ओह भागीदार नहीं बने जिहड़ी किसान हितैषी ना होवे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अते कांग्रेस कदे भी किसानां दे विरोध वाली गल का साथ नहीं दे सकते। ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਐਫ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਪਾਟਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। मुख्यमंत्री दे ओएसडी कैप्टन संदीप संधू ने पूरी जानकारी दी कि आखिरकार उस हाई पावर कमेटी दे विच गल्लां की हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्हां किसान ऑर्डिनेंसा दा कितें भी जिक्र नहीं सी, पर देखा जाए तो विरोधियों नूं बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया। आम आदमी पार्टी ने दब के कांग्रेस के उत्ते हमला करिया तो नाल ही अकाली दल नूं भी लपेटे च लिया कि आखिरकार इन्हां किसान ऑर्डिनेंसा नूं लैके किसानां दे हितैषी होने की गल नहीं की गई बल्कि उन्होंने उल्ट होने की गल की गई है। मैं समझदा कि यह बहुत वड्डा खुलासा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब सरकार का हुण तक तो लोग समझते सीगे कि सिर्फ और सिर्फ अकाली दल ही ये उपर डबल रोल दोहरी गेम है जी खेड रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। पर मैं समझदा कि देश के राजमंत्री वालों इस एक बयान के नाल कांग्रेस का कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब सरकार का दोहरा चेहरा जिहड़ा दोहरे मापदंड ने वो भी सामने आ गए। तो मैं समझदा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हुण अकाली दल की तरह जवाब देना पएगा पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों कि क्यों किसान मारू ऑर्डिनेंसिस के उपर सहमति देने तो बाद क्यों कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार मगरमच्छी अंजू बहाँदी रही और गिरगिट की तरह रंग बदलती रही। हालांकि इस पूरे मसले तो बाद देखा जाए तो सियासत जरूर शुरू होगी, पर अकाली दल ने भी आपका स्पष्ट स्टैंड क्लीयर किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि एक ना किसान ऑर्डिनेंसा लैके जदों तक केंद्र सरकार शंका सवाल स्पष्ट नहीं कर दें जिड़ी किसानों के मन के डर घरी बैठी है उदों तक इन्ह किसान ऑर्डिनेंसा पास कर भी हक के नहीं जा सकते। पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जदों तक किसानों के शंक शोभे दूर नहीं किए जाते तदों तक वह इस ऑर्डिनेंस को पास करने के हक में नहीं है। मैंने क्लियर कट बोला कि ये तीन ऑर्डिनेंस ही हो गए किसान पक्ष, पर आपने किसानों को पूछा नहीं। जो किसानों की इश्यूज हैं, जो किसानों की इस पर शंका है, वो तो आपने पूछा नहीं है। जो किसान आपकी पार्टी एक NDA में है, जो श्रोमणी अकाली दल जो किसानों की पार्टी है, NDA किसानों को NDA श्रोमणी अकाली दल को भी पूछा। और हमारे मिनिस्टर ने वहाँ कैबिनेट में भी बोल दिया था कि ये शंके हमारे किसान के हैं, इसलिए ये जो जब तक ये शंके दूर नहीं होते, जो इश्यूज दूर नहीं होते, श्रोमणी अकाली दल इसके साथ दूर नहीं कर सकता। पर क्योंकि उन्होंने एक्ट पास कर दिया तो हमने उनके खिलाफ वोट दी। पर मैं हैरानी की बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी का भगवान मान है, जब वोटिंग का टाइम आया कोई नहीं था,
वहाँ तो बोल रहे थे हम अपोज करेंगे, उन्होंने वोट इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ नहीं दी, वो सब वॉकआउट कर गए बगैर वोटिंग किए, बगैर उनके खिलाफ वोटिंग किए भगवंत मान और कांग्रेस के सारे एमपी वॉकआउट कर गए, और अकेला मैं ही था जो वहाँ रहा और ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट डालकर बोलकर और मैं आया। देखा जाए तो इन्होंने किसान ऑर्डिनेंसा लैके हालांकि पास कर दिया गया है, पर जिमें पहला सब तो शुरुआत हुई तो उस अकाली भाजपा निशाने पर रहे, पर जदों केंद्रीय मंत्री ने लोग सभा बयान दिता तो कांग्रेस भी बचाव की मुद्रा के आती हुई नज़र आई। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले के दोनों तरह का विरोध कर रही थी, पर जदों सुखबीर सिंह बादल ने हुण यह दस्सिया कि आखिरकार जदों इस संबंध के वोटिंग हुई उन्होंने तो ये खिलाफ वोट जरूर किया, पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जिहड़े संसद सीगे ओह कुर्सियां छड़ के चले गए, तो हुण देखना होएगा कि आखिरकार लोगों के विच आके ये पार्टियां के नुमाइंदे आखिर की जवाब देंदे ने कि जेकर उत्थे बैठ के इन्हां ने विरोध किया तो आखिर वोटिंग क्यों नहीं की। कहा जा सकता इन्हां किसान ऑर्डिनेंसां नूं लैके आखिरकार फायदा किसदा होएगा, पर कुल मिला के देखा जाए तो कितना किते किसान अज भी परेशान ही नज़र पड़ रहा है।